का दर्जा दिया। आज दिल्ली जो है कैपिटल भी है भारत का, दिल्ली एक प्रोविंस भी है, दिल्ली में एक वजीर आला भी बैठता है, दिल्ली में एक मेयर भी, लॉर्ड मेयर भी बैठता है। सेम कराची की स्टेटस की अपग्रेडेशन की जरूरत थी फॉलोइंग दिल्ली पैटर्न। मैं आज फिर मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा हमारी जो हिम्मत डिमांड है और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि हम इस कराची के स्टेटस की अपलिफ्ट करवाएंगे और इसको ऐसे ही जैसे दिल्ली आज एक रियासत भी है, एक गवर्नर भी बैठता है, एक वजीर आला भी बैठता है और एक मेयर भी बैठता है, ऐसे इंशाल्लाह ताला कराची। तो महाजर इतिहाद तहरीक जो है इसके मंशूर में सर दस्त जो है चंद नकात ऐसे आप बताइए जो आम लोग उससे इस्तेफादा कर सके। देखिए बहुत अरसे की इस लंबी तहरीक में हमने इब्तदा में मंशूर में होता था कोटा सिस्टम खत्म कर दें, मैसूरीन को वापस लाएं, रेजिमेंट बनाएं, इख्तदार में मसावी हिस्सा दें, सीटों की तकसीम सही करें। फिर एक वक्त आया हमने 87 में कहा सिंध को दो लसानी या दो कौमियती सूबा तस्लीम कर लिया जाए। मुस्तकिल इतनी स्ट्रगल के बावजूद आज तक बाल बराबर न रियासत ने और ना इस दौरान बनने वाली दर्जन से ज़्यादा हुकूमतों ने किसी ने किसी एक मुतालबे पर बाल बराबर कोई तस्लीम करने का इंदिया भी दिया। तो चंद साल पहले हमने मुत्तफ़ा तौर से फैसला किया, अब हमने अपने सारे मुतालबात विड्रॉ कर लिए हैं, अब ना हमें कोटा सिस्टम ख़त्म कराना है, ना हमें कोई अब रेजिमेंट बना, हमें अब सिंध असेंबली की सीटों का कोई मसला है ना, हम अब हम मैसूरीन को अब ला सकते हैं, ना लाए हैं अभी तक। अब हमने अपने सारे मुतालबात को तब्दील कर दिया है सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे में और वो अपने लिए स्टेटस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ ए यहाँ पर ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जैसे बाकी लोगों को हासिल है। अब हम ये समझ गए, अब हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसके नतीजे में हम ये सारे काम करेंगे, ये कोटा सिस्टम इस तरह खत्म करेंगे कि अपने सूबे में मेरिट का निजाम लाएंगे, मैसूरीन को हम अपने सूबे में ला के बसाएंगे, यहाँ की असेंबली के अंदर मुनसिफाना बुनियाद पे इक्वल आबादी पे सीटें होंगी, यहाँ पर कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, यहाँ सारे काम मेरिट पर होंगे, एक सिविलाइज्ड मॉडर्न और एक मॉडल प्रोविंस होगा। इसकी आप समझते हैं कि जमहूरी और सियासी इस्तेहकाम जो पैदा हो